सो गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो बापो चौर एक नया दिन और नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाऊंगा ये हिल्स एरिया, ये जो फुलबरी साइड में जो मेघालय है, इस मेघालय के अंदर में हम आ गया। तो शायद हम जाऊँगा थोड़ा डिस्टेंस में जाऊँगा, 2-5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस में हम जाऊँगा। वहाँ पर जाकर हम दिखाऊँगा इस मेघालय का कल्चर किस तरह से, इस क्रिश्चियनिटी कल्चर है, उस डिटेल्स हम आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जिसके घर में हम जाऊंगा उस दोस्त हमारा हम लोगों को लिए इंतज़ार कर रहा है, तो वहां पे जाके हम आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। तो अभी हम अभी रास्ता पे हूँ, तो हमारा साथ ये एक टीचर भी है। तो टेल मी योर सेल्फ, व्हाट आई विल सेल, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ आहद अली। या तो गाइस, ये आहद अली मेरा साथ है, तो हम दोनों भी एक साथ जाऊंगा, वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको भी हिंदी आता है, इंग्लिश भी आता है, देन गारो भी आता है। तो शायद मुझे गारो ज़्यादा नहीं आता है, तो हम अभी जा रहा हूँ। देख दोस्त है एक, देखिए तो ये है, व्हाट इज़ योर नेम? आई डू नॉट रिमेम्बर योर नेम। ब्रेनिस, ये मेरा बचपन का दोस्त है। तो इन्होंने हमारा घर में भी गया है, हम भी उसका घर में गया है, क्योंकि अभी मेरा जो हर लोगों ने सब लोग उन्होंने उसका अपना अपना काम में बिजी है, क्योंकि सबका फैमिली हुआ है, इसी के लिए सब लोग अभी बिजी है। तो शायद हम इसके साथ कुछ बातचीत करेंगे, ये दुकान किसका है। तो कुछ बोलिए, इस आपका दुकान में दुकान कैसा चल रहा है? घर को सेकंड बोल, नो मैटर, दुकान में बोलिए, दुकान रखना कितना अच्छा चल रहा है, दिन में कितना सेल होता है, बोलिए थोड़ा। तो शायद इनको इसके साथ इन लोगों को साथ गारो कहना पड़ेगा, क्योंकि गारो नहीं कहने से इसको जो हिंदी इंग्लिश बोलने से या बांग्ला खुशी बोलने से इन लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है समझने में। तो शायद ठीक है, बोल अभी हम जाऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ, चलिए। तो दोस्तों अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा टर्निंग है, ये टर्निंग बहुत ही खतरनाक टर्निंग है, देखिए आप लोग, बहुत ही खतरनाक टर्निंग है। इस टर्निंग में कभी कभी इसमें एक्सीडेंट भी होता है। तो शायद इसमें पूरा ख्याल से ड्रॉपिंग करना पड़ता है। तो जनाब, हम लोग अभी पहुंच गए ये रोंगखोंग बाज़ार, यह है रोंगखोंग मार्केट, ये रोंगखोंग मार्केट में हम लोग अभी पहुंच गए। यहाँ पे ये है हमारा दोस्त है, इसको मिलना है, तो मिल गया शायद। तो हम अभी जाऊंगा घर में जाऊंगा इसका, तो जाके आप लोगों को पूरा डिटेल्स करके दिखाऊंगा। आने से पहले थोड़ा, घर में छोटा बच्चा है, तो इसी के लिए उस लोगों के लिए कुछ सामान वगैरह ले रहा हो, खाने का चीज़ कुछ ले रहा हो। देखिए आप लोग, यहाँ पे ये दुकान पे आया है। तो मैम पैसा लीजिए, तो हम इस मैम को पैसा दे रहा हूँ, 105 रुपये हुआ है, 10 रुपये दे दिया, उन्होंने 5 रुपये वापस दे रहा है हमको। तो शायद ये बहुत ही, ये सिस्टर दुकान कर रहा है, बहुत दिन से यहाँ पे दुकान कर रहा है, तो शायद इसका कल्चर यही ऐसा ही है इस घर। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा चाय पियेंगे, ये रोंगखोंग मार्केट में हम लोग आया है, तो जो दोस्त है इस दोस्त के साथ हम लोग चाय पियेंगे,
और यहाँ पे चाय पीने के बाद हम वहाँ पे जाऊँगा, जाके हम आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊँगा। तो इस मेघालय का जो कल्चर है, ये कल्चर के बारे में हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा। भाई आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, इस चाय का दुकान में आ गया। तो हम लोग अभी यहाँ पे बैठ चुका है, देखिए आप लोग। तो चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद हम हमारा जो मंजिल है उस मंजिल तक हम लोग पहुँच जाऊँगा। तो ये दोस्त लोग यहाँ पे देखिए आप लोग। तो शायद ये मार्केट का नाम क्या है भाई? रोंगकोन, रोंगकोनगिरी, रोंगकोन मार्केट। तो देखिए ये मेघालय का कल्चर, देखिए ये क्या है, ये है हथियार। इसको इसको शायद क्या कहता है? कुकुरी। तो भाई चाय पीने का काम हम लोगों का हो गया, अभी हम लोग अभी जा रहा हूँ। तो भाई हम लोग अभी पहुँच गया ये आईबी में, हम देखिए यहाँ पे हम अभी रुको। तो जरा जनाब आप कुछ बोलिए, तो इस आईबी के बारे में कुछ बोलिए। या आईबी को थारिया दे इसे चीज को बुलसी थारिया बेपती दिन सासुना खांगन ये खुद अमेरिकन थारिया या रंग राम रंग दुंखो जा निगे मंग या बुलसी दे या आईबी को थारिया दे बुलसी अच्छा सरंगन बात के नोक आरो या थारिक परंग मंगन शिया हा निगे मंग दो या को रेफरिंग खाना करता चा गारु हिल्स नी मंदिर रंग एरो नोकमा रंग कुछ गा ओकामे मंग आरो एमएलए रुही बुल को बांग ओकाम गेन दे मो चीप निशार बाई बागेन ये कुछ गा रेफरिंग खाना करता चंगा दो ये गमक को थारीना का जोखम खाएगा मैं ना आज का सोंग नहीं मुख्य मरा सोंग आज का सोंग नहीं मुख्य मरा सोंग अनेक मन ये कुछ चंगा गाल जवा आर इको चंगा मुख्य मत केन नामी चंगा इको रखना आगे था जातांग को जातांग चे चिरंग चंगो चीबीस चंगो सा गमात जवा अमन चिका जी मंदे आमले का चंगा रासों मुख्य मुख्य थारियांगा ये दे बिल्कुल अच्छा सा बात जो कारो थारिक परंगा गमगन सीतोक जो 1919 में ये बनाया गया है। तो ये आईबी तो शायद 1819 में जब बनाया तो आज से करीबन कितना साल हुआ है? अब 100 ज़्यादा हो गया, 100 भी ज़्यादा हो गया। तो शायद देखिए इसका हालात भी बहुत ही ख़राब है। तो इन्होंने बोल रहा है हमारा साथ जो नुकमाया है, तो ये नुकमा बोल रहा है कि इसको हम एमएलए मिनिस्टर जो भी है सबको लेकर इसको फिर नया करके बनाएगा। लोग अभी जा रहा हो तो चलिए दोस्त हम लोग अभी जा रहा हो, चलो। तो ये जो गारो हिल्स में क्या कल्चर है देखिए, ये औरत लोग किस तरह से जो लकड़ी लेकर जा रहा है, इसको खाना बनाएगा इसको लेकर। तो शायद यही है इसका कल्चर, और हम कुछ दिखाएंगे आप लोगों को आप। तो गाइस हम अभी जा रहा हूँ ये मेघालय के अंदर में जो सब सेंटर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वही सब सेंटर के अंदर में जा रहा हूँ, रोंगखोंग का एरिया में ना। हाँ, रोंगखोंग रोंगमाचक एरिया में, रोंगमाचक आईबी। तो आईबी माने रोंगमाचक फोकस ऑफिस पर रोंगमाचक को दिखाया जा रहा है, देखिए। तो शायद हम अभी अंदर में जाऊंगा, जाके यहाँ पे एक मैम है, इस मैम के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे। तो इस सब सेंटर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, यहाँ पे क्या क्या किस तरह से चल रहा है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आया है और इस मैम के साथ हम बातचीत करेंगे। तो मैम कुछ बोलिए, आपका जो सब सेंटर किस तरह से चल रहा है और किस तरह से ड्यूटी भी होता है, तो इसका बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए। अच्छा ही चल रहा है सब सेंटर। तो आपका स्टाफ ड्यूटी करने का स्टाफ कितना आदमी है? 4 स्टाफ है, 2 एनएम, 1 चौकीदार एंड 1 एमएलएचपी। और कब से आप ये यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, आप कितना साल हुआ है यहाँ पे नौकरी करने में? आपका कितना साल हुआ है यहाँ पे? 1 ईयर। हाँ, तो 1 ईयर से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। हाँ, तो शायद आप लोग तो सुन लिया, ये जो मैम है, तो शायद ये मैम 1 ईयर से यहाँ पे इस सब सेंटर में ड्यूटी कर रहा है। तो शायद हम इस मैम का नाम क्या है वो भी हम जानूंगा, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो व्हाट इज योर नेम? My name is Chintera Armara. And you live in this village? No, I'm from Fulbari. Yeah. So guys, ये जो मैम है, ये मैम फुलबरी में रहता है, लेकिन उन्होंने इस एरिया में ड्यूटी कर रहा है इस सब सेंटर में। तो शायद
आप लोग तो देख लिया, तो शायद इसमें और अभी जो ड्यूटी का स्टाफ है वो स्टाफ लोग अभी मौजूद नहीं है, वो थोड़ा काम में गया है, वो अटेंड है यहाँ पे, क्योंकि हमारा साथ एक नकमा भी है, ये नकमा का আরও দোনিকদা কুদংবার চেকআপ মায়া বিজাবি খাইও নেই ছা তোদের পেটে বিশে দুটি না খুশি হওয়া মানে আসুন ডাকবারং তোদের ফরেস্ট কে দোবরং দোকান আসুন রাবারাই আর চিঙ্গু নামিন সানবা সানিয়া চিনি সঙ্গু নক এরং নামিন দুটি বাকা আর তোদের পেটে পে এরা মানুষ রাখবা প্রবলেম দো খোঁজা মানে চিনি বিশাং দিবা নামফলা আমার বাল মারা দোকান দোকান এরা বাং বিশাং দি নয় তো গাইস ইয়ে সাবসেন্টারে যে ডিউটি वगैरह जो कुछ भी कर रहा है बहुत ही अच्छा से कर रहा है इन्होंने, क्योंकि इसका जो ड्यूटी टाइम है ये अच्छा तरह से पालन किया जा रहा है, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा है। शायद पूरा एरिया हम घूम के हम आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिए यह का नज़ारा कितना सुंदर है। शायद यहाँ पे बनाया, शायद इसमें बहुत ही लोग नौकरी भी करेगा यहाँ पे, शायद मेघालय का जो प्रॉपर जो लोग यहाँ पे रह चुका है इस लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ रोज़गार यहाँ पे मिलेगा, तो इसी के लिए ये फार्मिंग यहाँ पे बनाया गया है। तो शायद आप लोग देख लिया, तो अभी हम लोग जाऊँगा, जो मेरा दोस्त है इरिक्शन उसका घर में जाके हम लोग चाय पियेंगे। ये स्मोकिंग किस तरह से कर रहा है, ये खुद बना रहा है और स्मोकिंग इस तरह से कर रहा है, तो शायद इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, इसी के लिए ये स्मोकिंग इसलिए कर रहा है, ये खुद बना के ये खा रहा है। देखिए आप लोग, तो शायद ये एक दोस्त भी है, देखिए किस तरह से स्मोकिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए। তো গাইস আবি ফাইনালি হাম আবি চাই পিয়েঙ্গে, তো আমারা চাই হো গিয়া, চাই কা কাম হো গিয়া, তো আমারা ম্যাম জি আমারা পাস হ্যায় আয়া হ্যায় চা লেকে, তো শায়দ হাম সব মিলকার একসাথ হাম লোক চাই পিয়েঙ্গে আবি। কেসে লাগ রা হ্যাঁ हमारा मैम जी चाय बनाया, बहुत ही टेस्टी चाय बनाया है। मैं यार अंगे ये फुलबारी एरिया ये गुमुखन नक्का दिबा छ खुशक छ थुरा गुमुखन नक्का ये दुबरी गुमुखन दिबा मा छ जो नक्का माना दिबा या छिया फुलबारी या थावल फंगबा ये ने छबक छिबनांग या राजा बलाय छबकते निगमन এন ছুবাত কপা চিনে ইয়া রংমা ছক কুদে এন ছুবাত কবং আই জানক আর আমরা মিনু সখং দে আছাম বিরাং নু দে সংবা দং মান যা হাবা হাবা ছাবা মান্দি শিয়া নিকম নিকো তে সাজা শম দিবা তাওদা খ্রিস্টান ওজো সংসারে কাচারাল ওজো জক নিম খ্রিস্টান ওমি কুদে জিসু কু মানি মং কুদে উনাক তা মান জক আর সামরাং ইনু খাতমতি খাতখান সাম গিয়া তো মাস্টার জি কুছ বলিয়ে আপ সাম দোয়া মানে হা হা ছানা মঞ্জাস খং দে দে হা রাকা নে আকা নাইকো মতি দোয়া ইনো চিপু সাপ দোয়া চিপু বাদলা দোয়া জাদা একদম চিপু বাইতা দোয়া হাজাল 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 বাঙ্গে নে চিপু দে ভাই গদি খুলি জকো দে চিপু দে একদম দি দাকেন হা 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 দুনিয়া সংখ দে নষ্ট খাগে নক খাগে নক মানদিরাং খদে শাস্তি দে মারে যাব ঠিক দং যা অনেক মে একদম দি গোমা দোয়া চিপু জাদা দেখো নক জক দে না নাকো দে একদম চিকনার কেন বে দে मांजा तो ठीक है भाई, अभी अभी हमको जाने वाला है, हो गया। हम इस माउंटेन में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इसका पत्थर जो है, इसका पत्थर का कौन सा साइड में कौन किंग कोबरा है भाई, इसको नाम सुन के मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया शायद, तो अभी यहाँ पे लेट नहीं करूँगा, है ना, लेट करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो चलिए हम लोग अभी जा रहा हो यहाँ। सो गाइस अभी इवनिंग 4 बजे हुआ है, तो बापोचे हम और एक जो हमारा रिश्तेदार है, बहुत ही पुराना रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार का घर में हम लोग आ गया, तो आज से करीबन 6 साल पहले हम यहाँ पे आया है, तो फिर हम आ गया, हम उसके साथ बातचीत भी कर रहा हूँ, तो अभी हम आप लोगों को दिखाऊँगा आप, क्योंकि ये जो अच्छा आप लोग देख रहा है
ये हमारा बहुत ही पुराना रिश्तेदार है। आज से करीबन 30 साल पहले हम लोगों का रिश्ता है। शायद ये अम्बी है, इसका भी उम्र ज़्यादा हुआ है, इसका भी उम्र मतलब 75 ऐसा हुआ है, शायद लगभग अराउंड 75 ईयर्स हो गया। तो ये अंबिका भी ऐसा मतलब 50 होने वाला है ईयर्स, 50 ईयर्स होने वाला है। तो शायद देखिए अभी इसका भी हालत तकियत ज़्यादा ठीक नहीं है। इन्होंने बहुत दूर भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा मेघालय, ये मेघालय छोड़ के इन्होंने बंगाल तक गया है और धुबरी में भी गया है ट्रीटमेंट करने के लिए, गुवाहाटी भी गया है। तो शायद अभी थोड़ा आराम मिला है इसको, इसका हेल्थ कंडीशन पहले खूब ही ख़राब था, तो अभी थोड़ा आराम मिला है। तो शायद हम इसके साथ भी बातचीत करेंगे। जो बहन अभी यहाँ पे है, लेकिन इसको जब शादी हो जाएगा तब उस लड़के लोग इस घर में आएगा और लड़की लोगों को यहाँ पे ही रहना होगा। अगर इस घर का जो लड़का है उस लड़का को बाहर जाना पड़ेगा, उस लड़की का घर में जाना पड़ेगा। तो यही है इसका ऑल्टरनेट जो सिस्टम है, ये सिस्टम ओनली फॉर मेघालय में है। तो शायद आप लोग देख लिया, तो हम बहुत ही पुराना रिश्तेदार को हम आप लोगों को दिखाया, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो पता नहीं है। शायद ये है इसका नया बिल्डिंग बनाया, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए जो क्या इसमें जो साइट है, यहाँ पे गेस्ट वगैरह सब कुछ आता है और यहाँ पे बातचीत भी करता है। लेकिन इसका अंदर में देखिए, ये आपका ऊपर में जाऊँगा, ये यहाँ पे एक ब्रदर भी है, यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ दोस्त, अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, की काम करे से? अरे शूटिंग करबा लगछ। हां शूटिंग कर के करो। तो ये दोस्त का रहने के लिए जगह यही है। देखिए किस तरह से ये यहाँ पे कामकाज कर रहा है ये घर में। तो शायद अभी साथ कापुर में हम जा रहा हूँ, आइए। तो देखिए यहाँ का नजारा कितना सुंदर लग रहा है और हम कुछ जानेंगे। अभी आपका स्कूल बंद है क्या? हाँ जी बंद है। मत फेब्रुअरी 17 में एग्जाम है। तो शायद ये जो सिस्टर उसका अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका एग्जाम फेब्रुअरी 17 में एग्जाम है। शायद उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा स्टूडेंट है। क्या क्या ब्रेंचिला मतलब? हाँ ब्रेंचिला आई थिंक इसका नाम होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो आपका स्पेलिंग, नाम का स्पेलिंग। BENTILLA ब्रेंचिला की संगमा CH मरक ब्रेंचिला CH मरक इसका नाम है। तो ये सिस्टर, लेकिन इसका उम्र अभी मतलब 23 हो गया, उसका एज अभी 23 हो गया। शायद घर में जितना काम वगैरह है, घर में सब कुछ काम ये सिस्टर ने कर रहा है, क्योंकि इसका अभी मेंटेन इस घर में इन्होंने ही कर रहा है। शायद इसका जो छोटा बहन है वो अभी तुरा में गया है, तुरा में पढ़ाई कर रहा है, छोटा भाई भी तुरा में पढ़ाई कर रहा है, है ना? तो इसी के लिए इसका माँ है घर में और बाबा भी है घर में, और एक जो एक नकर भी है घर में। तो शायद ये चारों लोग अभी घर में मौजूद है, इतना बड़ा बारी में अभी ये चार लोग मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग दुआई कर रहा हो इन लोगों को तकलीफ, इसका बाबा और इसका माँ का जितना तकलीफ है, तो शायद इस का बीमार सब कुछ आसानी हो जाए, तो यही हमारा प्रार्थना है। तो शायद पीक वगैरह जो है इधर देखिए आप लोग, शायद देखिए आप लोग यहाँ पे, या तो देख लिया आप लोग यहाँ पे, देखिए इस तरह से एक एक करके। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, आप लोग देखिए यहाँ पे भी है एक बड़ा वाला, कितना करके चारों तरफ से बनाया। देखिए ये वॉल करके रखा हुआ है, देखिए इधर भी दो है, ये थोड़ा छोटा है, तो शायद देखिए इसका अंदर में ये जो इसको पिक, हम लोग पिक कहते हैं। तो देखिए यह का ये छोटा है, तो ये भी है। तो
तो गाइस हम लोग अभी घर जाऊंगा, तो इसको बाय 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 अम्बी। ओके, लेकिन बाय बाय करने से भी अच्छा नहीं लगता है, दिल कहता है हमेशा उसको पकड़ लूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बचपन का रिश्तेदार है। आज से करीबन 30 साल पहले इसके साथ बातचीत हुआ है, तो इसी के लिए हम लोग इसको सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो बाय बाय करने से भी अच्छा नहीं होता है, इसको साथ हैंडशेक भी करना पड़ेगा। तो इसी के लिए आज के वीडियो हम यही समाप्त करता हूँ। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।